De hata utere pas, pra pui xume re masi, mere papum ke liei, utar de te masi. हलो प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीष दें अपने बच्चों को सुख बनाने के लिए सबसे बेस्ट रास्ता क्या हो सकता है किसी ने पूछा था क्या पैसा है क्या अच्छा घर है क्या अच्छी शिक्षा है जो जो बच्चे मांगते हैं उनको पूरा देना बस यही है हमें जानना है कि जिनके पास ज़्यादा पैसा है और अच्छी शिक्षा भी हैं और वह बहुत अथी में रहते हैं रहने वाले से बहुत लोग बहुत बच्चे तो क्योंकि पूर्ण जीवन जीते हैं जिन्होंने इसको पूछा था उन्होंने एक जवाब दिया कि माँ मा बाप अगर एक दूसरे से सचमुच में प्रेम करेंगे ये बेस्ट तरीका है बच्चों को सुख बनाने का क्योंकि माँ बाप एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो बच्चे बिल्कुल डर के बिना रह सकते हैं भविष्य की चिंता नहीं करते हैं परिवार के हर दिन उनके लिए खुश का दिन होता है और इम्यूनिटी पावर भी बीमारी से लड़ने के लिए जो शक्ति भी बिल्कुल मजबूत हो जाते हैं ये स्वस्थ हो जाते हैं और बच्चे अपने परिवार के अंदर शादी जीवन के पवित्रता के बारे में और शादी जीवन के सुख के बारे में बिल्कुल चख चक, चखते हुए जीते हैं और वे लोग सीखते हैं कि दूसरों से कि, कैसे प्रेम करें इसके बारे में सीखते हैं इस तरह जो बढ़ते हैं बच्चे तो स्वास्थ्य के साथ रह सकते हैं और और सुख परिवार बनाने के लिए ज़्यादा संभावना उनके पास होता है आज के बच्चन पहला कुरंतियों तेरह अध्याय पचवी पौध में हम मनन करना चाहते हैं प्रेम कैसे अनुर व्यवहार को और स्वार्थ व्यवहार को या गुस्सा को और लोगों के प्रति बिल्कुल नकारात्मक विचार को बिल्कुल आ, दूर कर देते हैं इसके बारे में हम सीखना चाहते हैं ताकि हम सचमुच में सुखपूर्ण जीवन जी सकें इसलिए आज के बच्चन के शीर्षक है प्रेम लव इज आज के वचन पहला क्रुनतीयों तेरा अध्याय पांचवी पद वक यानी प्रेम अनुरीति नहीं चलता प्रेम अपनी भलाई नहीं चाहता झुंझलाता नहीं बुरा नहीं मानता इन इंग्लिश फर्स्ट चैप्टर थर्टीन वर्स फाइव लव इज नॉट रूच लव इज नॉट सेल्फ सीखिंग लव इज नॉट इजली एंगर्ड लव खेप्स नो रेक ऑफ रॉन्ग्स आज के पच्चन का पॉइंट वन प्रेम अन नहीं चलता लव इज नॉट रूथ प्रवासियों की सेवा करते करते इमिग्रेंट्स के जो सेवा करते करते बहुत बुरे लोगों की कहानी हम बहुत सुनते हैं पूरे बोस की कहानी है कुछ लोग तो बिल्कुल दूसरों को तुच्छ जानते हैं या बिल्कुल गालियां बोकते हैं और पिताई करते हैं और जो कर्मचारी बीमार हो जाते हैं फिर भी उनके चिंता नहीं करते हैं ये सब क्या है बिल्कुल अनरीति संसारिक लोगों की कहानी है मनुष्यों के नाते हमें दूसरों की चिंता करनी है दूसरों पर दया रखनी है और उनका आदर करना है अगर ये प्रेम नहीं है तो हम अनरी प्यार करते रहेंगे और दूसरों को बिल्कुल हानि पहुंचाएंगे आज के वचन पे शुरुआत में क्या है प्रेम अनुति नहीं चलता लव इज नॉट रूड मतलब प्रेम में तो मैनर होता है मैनर तरीका होता है प्यार करने का तरीका ये जो इस पद को दूसरे बार के ट्रांसलेशन में इस तरह है कि प्रेम अशोभनीय व्यवहार नहीं करता मतलब क्या है अगर हम प्रेम के अनुसार सही ढंग से व्यवहार करेंगे तो जीवन को बिल्कुल सुंदर शोभनीय बना सकते हैं हाँ है। इसलिए हमें प्रेम को हमारे प्रेरणा बनाना है मतलब प्रेम के अनुसार सोचना है प्रेम के अनुसार बोलना है प्रेम के आदर पर व्यावहार करना है प्रेम के मैनर के अनुसार अगर व्यवहार करेंगे हम दूसरों को आशीषित करेंगे और परमेश्वर को खुश करेंगे और अपने आप को सचमुच में सुख जीवन बना पाएंगे इस तरह परमेश्वर आपके जीवन में होने दी प्रभु यीशु जी जब क्रूस पर लटकाया गया था उनके अंतिम टाइम आने वाला था जिन्होंने प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया है और प्रभु निंदा कर रहे हैं नीचे उनके लिए प्रभु यीशु ने क्या कहा उनको श्रापित नहीं किया है या अनेक अनेकृतों को अचानक बुला के उनको सत्यानाश भी नहीं किया है परंतु शिल्प पिता से यह प्रार्थना की लूका तेईस चौंतीस में लिखा है तब ईशु ने कहा हे hey, पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं जीसस सैद फादर फॉर नो व्हाट दे आर डूइंग टू प्रेम अपनी भलाई नहीं चाहता लव इज़ नॉट सेल्फ सीकिंग संसार तो स्वार्थी है इसलिए अपनी भलाई ही चाहता है रोशक को देख लीजिएगा ये क्रेम पर हमला करके इतना दुष्ट युद्ध चलाते हुए भी बहुत लोगों के सामान को लूटते हैं लेकिन प्रेम तो दूसरों की भलाई चाहते हैं लव इज़ नॉट सेल्फ सीकिंग बट सेल्फलेस प्रेम अपनी भलाई नहीं वरन दूसरों की भलाई चाहता है आप दूसरों की भलाई चाहते हैं कि नहीं हाँ सचमुच में परमेश्वर ने हमारे बॉडी को देह को भी दिया है इसलिए हम अपने आप को अच्छी तरह देखभाल करते हैं हमें अपने प्रति भी बिल्कुल आ, आदर करना तो जानना ज़रूरी है लेकिन सिर्फ़ हम अपनी भलाई ही चाहते होंगे तो की के प्रेम से बहुत बहुत दूर चले जाते हैं हमने सच्चे प्रेम को अपने माँ बाप से सीखा है माँ बाप ने अधिकतर तो अपने को बिल्कुल त्यागते हुए बलिदान करते हुए अपने बच्चों से प्रेम करते हैं इसलिए बच्चे माँ बाप के प्रति तो बच्चों के पास प्रेम का करीज है जैसे वे लोग इस तरह जीते थे वैसे अगर उनके पीछे चलते हैं तो हम प्रेम की राह पर चल सकते हैं और बाइबल के अंदर एक नमूना है प्रभु यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव तो परमेश्वर का है लेकिन उन्होंने अपने को शून्य कर दिया है मनुष्य के रूप में तो बिल्कुल आ गया है मनुष्य के देह को तो धारण किया है पापी जैसे दिल किया गया और क्रूस पर चढ़ाया गया और मारा गया पिलिपियो की किताब दो का साथ में इस तरह लिखा है और अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया किसने प्रभु यीशु मसीह ने और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया इन इंग्लिश जीसस मेड हिमसेल्फ नथिंग थेकिंग द वेरी नेचर ऑफ सर्वेंट बींग मेड इन ह्यूमन लाइकनेस प्रेम हीन है लव इज सेल्फलेस हमें भी प्रश के पीछे पीछे चलें जिसने अपने को शून्य कर दिया पॉइंट थ्री प्रेम चुंजलाता नहीं लव इज नॉट इजले एंगर्ड क्या आप जल्दी क्रोधित हो जाते हैं या क्रोध को कंट्रोल करते हैं बाइबल बताते हैं कि हमें क्यों अपने क्रोध को कंट्रोल करना है के याकूब की किताब पहले अध्याया पद में लिखा है मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता अगर आप चल क्रोधित हो जाते हैं तो परमेश्वर के धार्मिकता का जीवन नहीं जी पाते हैं यानी सच्चे भक्त के जीवन नहीं जी पाते हैं तो परमेश्वर आपको ग्रहण नहीं कर पाएंगे मनुष्य भी आपको ग्रहण नहीं कर पाएंगे प्रेम चुंझलाता नहीं लव इज नॉट ईजली एंगर्ड अगर प्रेम है तो क्यों लोग क्रोध को कंट्रोल कर सकते हैं क्यों क्रोध से प्रज्वलित तो नहीं होते हैं क्योंकि प्रेम करने वालों के लिए सबसे महत्व कोई दूसरा नहीं वरन लोग हैं मैं मोड़ के देखूँ तो मेरे शादी के जो थाई में शुरुआत में और जब बच्चे पैदा हो गए बच्चे जब छोटे थे तो बच्चे के पालन पोषण के थाई में मैंने बहुत क्रोध दिखाया था कारण यह था कि जिन सिद्धांतों को मैं मातप समझता था व्यवहार में परिवार जीवन में लेकिन मेरे परिवार लोग तो ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे ये मेरे को मुश्किल लगा है कभी कभी लगता है कि ये मेरी बात नहीं मानते हैं कि जब था बीत जाते हैं और प्रपूजी जी ने मुझको समझाया कि मेरे लिए सबसे महत्व कोई सिद्धांति नहीं कोई चीज़ें नहीं वरन लोग है परिवार है प्यारे लोग हैं इसलिए प्रेम आपको और अपने प्यारे लोगों को बचाते हैं क्रोध की आग्नि से बचाते हैं इसलिए प्रेम क्रोध के आग को फुचाने वाले काम करता है Love is fire extinguisher. Love is anger extinguisher. Hallelujah. Point four. Prem bura nahi maanta. Love keeps no record of wrongs. Agar hum logon se prem nahin karte hain, toh un logon ke hum bilkul dhyan dete hain. उन लोगों के जो बुरे जो कामों पर हम सोचते हैं इसलिए बुराई और अच्छाई के जो संतुलन बिल्कुल खो देते हैं प्रेम क्या होता है प्रेम लोगों के बुराइयों पर जो लिखे हुए ऐसे ही लिस्ट को बिल्कुल फेंकता है प्रेम बुरा नहीं मानता इंग्लिश में क्या लिखा है लव केप्स नो रिकॉर्ड ऑफ रॉन्ग्स लोगों ने आपको बिल्कुल बुरा बोल सकते हैं या आपके तो बिल्कुल हानि पहुंचा सकते हैं लेकिन उन बुरे कामों की लिस्ट लगते रहेंगे तो आप बिल्कुल मुश्किल हो जाए हो जाएंगे प्रेम क्या होता है दूसरों के विचार और दूसरों के व्यवहार और दूसरों के बातों पर बातों के अनुसार जो व्यवहार करना प्रतिक्रिया करना नहीं उनके बुरी बातों को उनके पूरे व्यवहार को देख देखने के बावजूद भी उनसे प्रेम करने के लिए निश्चित करना ये प्रेम है क्योंकि परमेश्वर ने भी हमसे जो सचमुच में बुरे पापी मनुष्य हैं हमसे इस तरह प्रेम किया है अभी भी प्रेम करते हैं रोमियों पाँच का आठ में लिखा है परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा इन इंग्लिश

हमसे प्रेम करते हैं ये कितनी आशीष हैं इससे जो कोई पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर उनके पापों को याद नहीं करते हैं क्षमा करते हैं सदा के लिए इसलिए हम भी दूसरों की गलतियों को और उनके पापों को उनके बुराइयों को बिल्कुल भूल जाएं और उनसे प्रेम करते जाएं हाँ उनके बुराइयों का लिस्ट बिल्कुल फेंक दें हाँ हाँ आज भी हमने परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रेम के बारे में सीखा है हाँ अगर हम प्रेम करते हैं तो अनिति व्यापार को और सार्थ को और क्रोध को और नकारात्मक जो भावना को बिल्कुल हम दूर कर सकते हैं और सचमुच में जीवंत जीवन जी जीव सकते हैं आज के वचन के अनुसार हम प्रार्थना के साथ तो उपदेश को समाप्त करना चाहते हैं आप मेरे साथ प्रार्थना कीजिएगा हे पिता परमेश्वर अगर हमने दूसरों के प्रति असभ्य व्यापार किया है तो हमें हमारे प्रेम की कमी के लिए क्षमा करें हम अपने दिल के प्रेम से व्यापार करके दूसरों को खुश देना चाहते हैं हमारे परिवार चर्च परिचितों और अन्य लोगों के जीवन को प्रेम से सुंदर बनाने में हमारी मदद करें हमारे हृदय से स्वार्थ दूर हो जाए और निस्वार्थ प्रेम भरे हमारे लिए अपने प्रेम के कारण यीशु जी ने पापी के रूप में स्वयं को खाली कर दिया मानव शरीर धारण कर लिया और मानव जाति के पापों के विकल्प के रूप में क्रूस पर मर गया हे परमेश्वर अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करने में हमारी मदद करें जो हम पर सताते हैं उनसे और हमारे शत्रुओं से भी प्रेम करने दें एक दूसरे से प्रेम करने में हमारी सहायता करें जैसे प्रभु यीशु जी ने हमसे प्रेम किया हे पिता हमें ऐसे व्यक्ति बनाएं जो लोगों को सबसे ऊपर महत्व देते हैं अपने कीमती लोगों पर आसानी से गुस्सा न करने में हमारी सहायता करें लंबे धैर्य और नम्रता से उन लोगों से प्रेम करने दी हे पिता परमेश्वर प्रभु में प्रकट हुए परमेश्वर के बिना शर्त प्रेम को यानी गॉस अनकंडीशनल लव को जानने में हमारी सहायता करें उस प्रेम से उन लोगों से भी प्रेम करने में हमारी मदद करें जो हमारे लिए कठिन बातें बनाते हैं हमें स्वार्थ व्यक्ति मत बनने दी जो केवल उन लोगों से प्रेम करते हैं जो हमारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं हम हमेशा उन लोगों के बुरे कामों को याद करते हैं जो हमें कतर बनाते हैं इसलिए हम एक द्वेष रखते हैं हमें नफ़रत का गुलाम मत बनाएं, उन लोगों से प्यार करने के लिए जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई है, हमें ऐसे लोग बनाएं जो प्रेम ही करने का निर्णय लेते हैं और वास्तव में उनसे प्रेम करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन